एडवोकेट धामी ते संत घुणस दरमियान होवेगा वड्डा मुकाबला। श्रोमणी कमेटी दा जनरल इजलास अज शुरू, थोड़ी देर दे विच हो जावेगी एजीपीसी दे नवे प्रधान दी चोण ते बीबी जगीर कौर नू मिलियां वड्डियां सलाहां। जी हां, गुरद्वारा साहिबां दी सेवा संभाल करदी आ रही पुरातन सिख संस्था श्रोमणी कमेटी दे प्रधान ते नहोर अहुदेदारां ते अंतरिम कमेटी मैंबरां दी सालाना चोण लई तेजा सिंह समुद्री हाल विखे होण वाले जनरल इजलास दौरान प्रधानगी अहुदे लई मुख मुकाबला श्रोमणी अकाली दल दे उम्मीदवार एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी अते सुखदेव सिंह ढींडसा दी अगवाई वालियां विरोधी पंथक धिरां दे सांझे उम्मीदवार संत बलवीर सिंह घुणस दरमियान होण जा रिहा है। इस मौके ते एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने की कहा, आओ तुहानू पहला उन्हां दा बयान सुना दईए। बिलकुल गलत है, देखो मैं प्रधान नहीं आ प्रधान तुरिया फिर देखते हैं तो बाकी मैंबर तुरे फिरते हैं, प्रेस वाले वध जाणदे आ, देख लो किसी कोई डर पै किता कि सारे कल सारे हाउस के आके बैठे सी ते तुसी एक गल अंदर क्योंकि तुसी नहीं सी पर उन्हां दा जिहड़ा चा ते सिगा उन्हां दा मैं समझदा मन दे विच बलबले वो कल हाउस दे विच देखण वाले सी। कुछ मैंबर बाहर गए हुआ, कुछ अस्तीफा दे गए हुआ, कोई नहीं स्ट्रेंथ हुण पता लग जाऊगी, डेढ़ सौ लगभग चाली एक सौ चाली के लगभग हो जाए। वोटां की देखो, वोटां की एक तो यह बहुत मेरा ख्याल जो एम सी की भी चोण हो भी इन्ना समा नहीं दिता जाता, सिर्फ 25 दिन का समा, फिर वो पहला परफॉर्मा से वह बदल दिता, दूआ बना दिता, फिर वो तीआ एक आ गया पे शरत आ हो गया, फिर चौथा आ गया ये जी अपने कला कला फार्म दूगा ये पचीदा जहा कर दिता। असं इलैक्शन कमीशन मिल के आए थे, देखो असी तो कल भी सारियां कहा, तो मैं हूँ महीना इसे काम चला भी वध तो वध असी तो हूँ उन्होंने कहा कि इसका टाइम एक्सटेंड करो, आ हूँ चार छुट्टियां चल रही, 15 जाके वर्किंग डे आ, चारों दिन किसी ने लभना नहीं, फिर बी एल ओ जे 6-6 किलोमीटर के बूथ आ, तो बूथ वाइज कितने बंदा हूँ ट्रालिया वाला तो जुग रहा नहीं, सो इस करके सारे मैंबरों भी कहा भी वो वो वोटा बनाओ क्योंकि सरकार का मंशा जोड़ा वो बिल्कुल क्लीयर आ। सरकार श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के चली चीफ इलैक्शन कमीशन के जरिए सिखां दी स्ट्रेंथ इत्थे लो शो करनी चाहुंदी आ तां कि इहनां दा अल्टीमेटली उह ऑब्जेक्ट पूरा हो जाए कि पंजाब जिहड़ा आ उह सिख मजोरिटी स्टेट तों नहीं रिहा, सो इहदे पिछे लुकमा एजेंडा इहनां दा इह आ जिहनूं मैं भली भांत भावदा, इहो कर रहे आ भई उह सहारा लै के इह इहदा पचीदा जिहा मसला बणाई जांदा। हांजी बीबी जी देखो मेरे तो सियाणे आ, मंत्री रहे आ, 3 बारी प्रधान रहे आ, मैं उहनां तों उहनां नूं की सलाह दे सकदा, इहदा तां साडा खुले दिल नाल ही आ, मैं तां आवांगे ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਮ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੌੜ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਵਾਂਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੱਡਾ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰੱਸਾ ਕਸੀ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ
सानू अपने आप नूं वड्डा छोटा दिखाउण दी लोड़ नहीं। असीं तां सिनेमर बेनती करदे हां सारे मैंबरां वल्लों कि आओ सारे इकट्ठे हो के जिहड़ियां शक्तियां श्रोमणी कमेटी नूं तोड़न लई सिखां दे हमलावर हो के आ रहियां उन्हां दा टाकरा करिए। लिफाफा किहड़ा निकलेगा जी, हुण दस्सो कल दा ऐलान हो गया, लिफाफा है ही नहीं जी, लिफाफा दिखा दिओ कित्थे आ। चल चंगी गल आ, मैं कहना देर आए दोस्त, असीं मान लीए गल भी बीबी जी लिफाफे चों निकले सी, जे अज जे मनदे आ, पर मनदे हाले भी नहीं गए कल उन्हां ने तुहाडे नाल इस गल दा, क्योंकि कुछ आदतां पै गईआं ने सानूं। ये तो जी श्रोमणी कमेटी के फलाने काबज ने, इतने लिफाफा निकलता जी, दसो किहड़ा लिफाफा निकलिया। हुण तां ओपनली सारी ऐलान हो गया, इस करके असीं तां समुचे रूप में बहुत खुशी आ, आवाम के अंदर बड़िया इस गल फैसले का स्वागत है कि धामी साहब नूं मुड़ तो सेवा दी गई आ। नहीं जी अपने साढ़े अपने ही हैं, पर उन्होंने मनमुटाव जो हैगा तो असीं तां कहिंदे दूर करो, असीं तां उन्होंने विरोधी नहीं गिणदे कदे भी, नहीं उन्होंने मंशा चाहिए आ। असीं तां वह एक कदम चलना ही 100 कदम अगे चलन तैयार हाँ, पंथ दे लई, कौम दे लई, किना सिखां दी संस्था लई असीं हर कुरबानी हर अपना हित जिहड़ा छड्डण नूं तैयार। सदा दे कि सुखदेव सिंह ढींसा ते बीबी जगीर कौर ने श्रोमणी कमेटी मैंबरां नूं अपनी जमीर दी आवाज़ ते वोटां पाउण दी अपील करदिआं कहा सी कि उन्हां दी लड़ाई किसे कुर्सी जां प्रधानगी दी नहीं, बल्कि साडी लड़ाई सिख सिधांतां दी राखी, सिख रहत मर्यादा दी पहरेदारी, श्री अकाल तख्त साहिब दी माण मर्यादा दी सर्व उच्चता ते श्रोमणी कमेटी दी कार्यशैली दे विच सुधार लिआउण लई है। सो हुण देखणा होवेगा कि आखिर इस मुकाबले दे विच कौन IGPC दे नवे प्रधान चुने जाणगे। हकीकत TV पंजाबी लई अमृतसर तों हरजीत गरेवाल दी रिपोर्ट।